नमस्कार दोस्तों और सभी फ्रेंड्स को, आज इस लुक स्मार्ट चैनल के माध्यम से हम आप सभी के बीच एक विषय लेकर आए हैं कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद क्या प्रक्रियाएं होती हैं। आज भी हमारे बीच सोसाइटी में जो मुकदमे दर्ज करने के पश्चात वो जो पीड़ित व्यक्ति आते हैं, उनके मन में प्रश्न उठता है कि FIR के बाद क्या प्रक्रियाएं होती हैं। अगर इस विषय पर अगर आप संतुष्ट हों, समझ गए हों, तो कृपया इसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फर्स्ट, FIR दर्ज होने के पश्चात यानी जब आप थाने पर जाते हैं, किसी तरह का कोई शिकायत या लिखित या बयान या फर्द बयान या बड़े अधिकारी के निर्देश पर या माननीय न्यायालय के आदेश पर या आपके रजिस्ट्री के माध्यम से या हाईटेक या मोबाइल के माध्यम से ID किसी भी माध्यम से जब आपका FIR जब पुलिस स्टेशन में दर्ज हो जाता है, तो उसके बाद प्रक्रियाएं क्या होती हैं। फर्स्ट, जैसे ही थाने पर आपका प्राथमिकी दर्ज हो जाता है, उस प्राथमिकी की एक प्रति आपको थाने पर आपको जो जिस लेवल का अधिकारी हो, थानाध्यक्ष हो या इंस्पेक्टर लेवल का हो, किसी भी राज्य में पूरे भारतवर्ष में ये प्रक्रिया है कि जो केस दर्ज करने वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट उस FIR की कॉपी उनको हस्तगत करा दी जाएगी। उसके बाद जो थानाध्यक्ष होते हैं या थाना के जो भी इंस्पेक्टर हैं कि जो थाना रजिस्टर्ड करने वाले FIR दर्ज करने वाले अधिकारी, आपके FIR को कॉपी करके उसको कॉपी किया जाता है, उसके फर्स्ट जो मूल कॉपी होती है उसको ऑनरेबल कोर्ट में इमीडिएट 24 घंटा के भीतर भेज देने के प्रावधान है। उसके बाद जो FIR की जो सेकंड कॉपी होती है, वो कॉपी सीधे उस जिले के, उस जनपद के यानी उस डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज होते हैं यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या वरीय पुलिस अधीक्षक या सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रैंक के जो होते हैं, उनके पास त्वरित गति से भेजा जाता है। और इसका दूसरा फर्द जो वहाँ के जो कंट्रोलिंग ऑफिसर SDPO या DSP लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उनको कॉपी FIR की कॉपी भेजी जाती है। उसके बाद जो तीसरी फर्द है यानी तीसरी FIR के फर्द उस थाने को कंट्रोल करने वाले इंस्पेक्टर लेवल के हो, जिसको सर्किल इंस्पेक्टर बोलते हैं, या बहुत जिलों या बहुत राज्यों में अलग अलग नाम है, यानी इंस्पेक्टर लेवल के पदाधिकारी के पास तीसरी कॉपी जाती है और चौथी कॉपी थाने में रह जाती है, जिसकी एक प्रति जो उस कांड के जो अनुसंधानकर्ता होते हैं यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी हिंदी में कहीं विवेचना अधिकारी भी बोलते हैं, उसको हस्तगत करा दी जाती है। आपके FIR के फर्द जैसे ही जिले के पुलिस अधीक्षक लेवल को जो प्राप्त होता है, तो वो अपने स्तर से, अपने विवेक से, उस प्राथमिकी के आरोप से या प्राथमिकी के दायरे से अगर उनको महसूस होता है कि ये इस मुकदमा में किसी भी तरह का विधि व्यवस्था का बात हो या अपराध लेवल से काफ़ी उनको महसूस हो कि इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ऐसे मुकदमे को वे एक विशेष प्रतिवेदित यानी SR केस, स्पेशल रिपोर्ट केसेस हेड के तहत उसको मार्क करके उसको सीधी उसकी एक प्रति आदेश निर्गत कर दी जाती है कि तुरंत इसको जो क्षेत्र के SDPO या DSP लेवल के हों, उस SR केस को इमीडिएट उस कांड का पर्यवेक्षण करेंगे और पर्यवेक्षण टिप्पणी सबमिट करेंगे। और जिले के जो पुलिस जो सुपरिटेंडेंट महोदय को अगर महसूस होता है कि नहीं, ये पैटी नेचर का केस है, इस केस को नियंत्रण इंस्पेक्टर लेवल कर सकते हैं, तो उस केस को अविशेष कांड यानी नन SR केस के रूप में घोषित करते हुए, मार्क करते हुए उसको इंस्पेक्टर को प्रति दी जाती है और वहाँ से चले जाते हैं। उसके पश्चात जो DSP लेवल को अगर SR केस का जब मिलता है या इंस्पेक्टर को जब नन SR लेवल का जब उनको कॉपी मिलती है, तो त्वरित गति से जहाँ घटनास्थल जहाँ घटना होती पहुँचते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेनेंट को, गवाहों को बुला करके घटनास्थल पर अपने जांच होती है, वहाँ अनुसंधानकर्ता को चाहे SR केस हो
या नन एसआर केस हो, यानी जहाँ डीएसपी साहब पहुँचे या इंस्पेक्टर साहब पहुँचे, वहाँ आपको आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रहना नितांत आवश्यक है। उसके बाद अनुसंधान की प्रक्रियाएँ होती हैं, अनुसंधान होता है, इन्वेस्टिगेशन जो भी जो बातें होती हैं साक्ष्य या तथ्य के रूप में, वो अनुसंधानकर्ता अपने उसके रिकॉर्ड पर लाते हैं। यानी कि आज आप स्पष्ट हो गए होंगे कि प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात कौन कौन सी कार्रवाइयाँ पुलिस विभाग के द्वारा की जाती हैं। इसके पश्चात जो ऑनरेबल कोर्ट में जो जो आपके FIR जाती है, वहाँ उस स्पेशल उसको GR के रूप में उसका रजिस्टर्ड होता है, उसका एंट्री होता है, उसका नंबर पड़ता है, वो नंबर ऑनरेबल कोर्ट में ईयर वार यानी वर्ष वार करके उस पर मार्क कर दिया जाता है और उस पर एक नया अभिलेख खुल जाता है। उस अभिलेख में जाकर उसका अपना जो GR नंबर हो या जो TR नंबर हो, उस रूप में उसको अंकित करते हुए एक अभिलेख आपको वहाँ से प्रारंभ होता है और उसी के समरूप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो अपना एक अलग केस जारी रखते हैं, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। आज का विषय इतना ही है कि आप स्पष्ट हो गए होंगे कि आप जो थाना में FIR दर्ज कराते हैं, उस FIR का क्या होता है, FIR का प्रोसेस क्या है, आप स्पष्ट हो गए होंगे। ये जनहित लोकहित में लोगों को जानकारी देना ये आवश्यक है। अगर इस चैनल यानी लुक स्मार्ट चैनल से को अगर आप पसंद करते हो, लीगल रूप से इसको मानते हैं, तो कृपया इसको प्रचार प्रसार करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे, फिर अगले चैनल मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू, प्रणाम।